दोस्तों आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन तो खत्म हो चुका है और सभी टीमों ने अपने नए नए स्क्वाड जो है अनाउंस कर दिए गए हैं, आप सभी ने देख लिए होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सभी 10 टीमों के फॉरेन प्लेयर्स की लिस्ट कौन सी है, कौन से विदेशी खिलाड़ी कौन सी टीमों से खेलने वाले, सभी 10 टीमों पर बात करने वाले हैं। तो इंटरेस्टिंग वीडियो तो है ही सही, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को जो है लाइक और शेयर कर देना और चैनल पर नए आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो तक पहुंच जाए। तो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीएसके की टीम के साथ शुरुआत करने वाले हैं। तो सीएसके की टीम की तरफ से डेवॉन कॉनवे, महेश थिक्षाना, एडम मिल्ले, उसके अलावा मोइन अली, क्रिस जॉर्डन, मिचेल सेंटनर, ड्वेन ब्रावो और ड्वेन प्रिटोरियस। तो सीएसके की टीम ने मतलब ड्वेन ब्रावो को बाय बैक कर लिया गया है, उसके अलावा मोइन अली भी सीएसके की टीम में ही है। उसके बाद हम दिल्ली कैपिटल की टीम की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली कैपिटल की टीम की तरफ से रोमैन पोवेल, डेविड वार्नर, टीम सिफर्ट, एंड्रिच नॉटजी, लुंगी एंगिडी, मुस्तफिजुर रहमान और मिचेल मार्श। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली कैपिटल की टीम की तरफ से ये फॉरेन प्लेयर जो है हमें खेलते हुए नजर आने वाले हैं। फिर हम गुजरात टाइटन्स की बात कर लेते हैं। तो गुजरात की टीम की तरफ से जेसन रॉय, डेविड मिलर, मैथ्यू वेड, राशिद खान, उसके अलावा जो है अल्जारी जोसफ, नूर अहमद, लॉकी फर्गूसन और डोमिनिक ड्रेक्स। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की टीम की तरफ से हमें ये जो है मतलब फॉरेन प्लेयर्स खेलते हुए नजर आने वाले हैं। फिर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की बात कर लेते हैं। तो केकेआर की टीम की तरफ से एलेक्स हेल्स, सैम बिलिंग्स, चमिका करुणा रत्ने, टीम साउदी, पैट कमिंस, आंद्रे रसल, सुनील नारायण और मोहम्मद नबी। तो केकेआर की टीम की तरफ से हमें ये फॉरेन प्लेयर्स जो है खेलते हुए नजर आने वाले हैं। फिर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की बात करें तो लखनऊ की टीम की तरफ से एवन लुइस, क्विंटन डिकॉक, दुश्मंता चमीरा, मार्क वुड, मार्क स्टोइनिस, काइल मेयर्स और जेसन होल्डर। तो लखनऊ की टीम के फॉरेन प्लेयर्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, मतलब जेसन होल्डर बहुत अच्छा बाय था और उसके अलावा मार्क स्टोइनिस आ चुके हैं। फिर मुंबई इंडियंस की टीम की बात कर लेते हैं। तो एमआई की टीम की तरफ से डेवॉल्ड ब्रेविस, जो कि बेबी एबी डिविलियर्स के नाम से जाने जाते हैं, जोफ्रा आर्चर, टाइमल मिल्स, राइली मेरेडिथ, कायरन पोलार्ड, डेनियल सैम्स, टिम डेविड और फेबियन एलन। तो मुंबई इंडियंस की टीम ने जो है बहुत बाद में जो है बाजी मारी थी, लेकिन अच्छे फॉरेन प्लेयर्स को लिया गया है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स की टीम की। तो पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से हमें भानुका राजपक्षा, जो कि श्रीलंका की टीम के प्लेयर है, जॉनी बेस्टो, ऑलियन स्मिथ, नेथन एलिस, कगिसो रबाडा, बेनी होवेल और लियाम लिविंगस्टोन जो है खेलते हुए नजर आने वाले हैं। फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की बात करें, आरसीबी की टीम की, तो फाफ डुप्लेसिस, फिन एलन, उसके अलावा जेसन बेरेंडॉर्फ, जॉश हेजलवुड, ग्लेन मैक्सवेल, डेविड विली और मतलब शर्फिन रदरफोर्ड और वनिंदु हसरंगा। वनिंदु हसरंगा बहुत महंगा बाय था मेरे हिसाब से आरसीबी की टीम में। फिर एसआरएच की टीम की बात कर लेते हैं। तो एसआरएच की टीम की तरफ से केन विलियमसन, एडन माक्रम, ग्लेन फिलिप्स, निकोलस पूरन, रोमारियो शेफर्ड, फजल फारूकी, मतलब मार्को जेंसन और सीन एबर्ट। तो एसआरएच की टीम की तरफ से हमें ये फॉरेन प्लेयर जो है खेलते हुए नजर आने वाले। फिर राजस्थान रॉयल की टीम की बात करें तो राजस्थान रॉयल की टीम की तरफ से रेसी वेंडरडसन, शिमरॉन हेटमायर, जॉस बटलर, नेथन कुल्टर नाइल, ओबेद मैकॉय, ट्रेंट बोल्ट और जिमी नीशम। तो राजस्थान रॉयल की टीम की तरफ से फॉरेन प्लेयर्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो शिमरॉन हेटमायर, जॉस बटलर, उसके अलावा ट्रेंट बोल्ट अच्छे हैं। तो आपको कौन सी टीम के फॉरेन प्लेयर्स की लिस्ट सबसे अच्छी लग रही है, आप कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस वीडियो को जो है लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।